हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस के स्टडी पॉइंट मथुरा में। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा एनसीईआरटी का ट्राइग्नोमेट्री 11th क्लास का, जिसमें कि मिसलिनियस एक्सरसाइज को हम सॉल्व कर रहे थे। पार्ट ए हम मिसलिनियस का दे चुके हैं, जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, या आप डायरेक्टली चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। एस के स्टडी पॉइंट मथुरा के नाम से हमारा चैनल है, वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए, इसमें पार्ट बी की बात कर रहे हैं, जो कि 5 से 8 तक के क्वेश्चंस को यहाँ हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि मैं यहाँ पर टेकिंग LHS ले लेता हूँ। टेकिंग LHS, LHS लेने पर आपको जो वैल्यू मिली वो ये रहेगी आपकी। देखें, यहाँ पर आप सीधा सफंडा समझिएगा कि यहाँ पर 7 और 1 को लूँगा तो 8 बनेगा, इसको और इसको लिखूँगा तो भी आपका 8 बनेगा। तो मैं इसे सिक्वेंस में लिख लेता हूँ, यानी कि आपको मिलेगा साइन एक्स प्लस साइन 7x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x। ये मैंने इस तरीके से लिख लिया है। अब यहाँ पर आप काम ये करेंगे कि इसमें एक आइडेंटिटी आप लगाएंगे। इसमें आइडेंटिटी होती है साइन सी प्लस साइन डी वाली, तो साइन सी प्लस साइन डी वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, तो साइन सी प्लस साइन डी वाली आइडेंटिटी होती है साइन सी प्लस डी वाई टू, ये होती है, और कॉस सी माइनस डी वाई टू होती है। जब कॉस की आइडेंटिटी होती है तो माइनस प्लस हो जाता है, कॉस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 7x/2। ओके, प्लस मैं यहाँ सेम इसी तरीके से यहाँ पर लिखने वाला हूँ ए 2 sin 3x + 5x/2 और cos 3x - 5x/2। ओके, तो जब मैंने देखा यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पर मिलेगा क्या sin, देखिए 8x हो जाएगा, 8x को मैं लिख सकता हूँ 4x, और यहाँ पर आपका मिलेगा क्या 6x, 6 को 2 से 3x माइनस का आएगा, पर माइनस को मैं लिख सकता हूँ प्लस का, तो cos 3x। ओके, यहाँ पर देखिए 2 sin 4x। ओके, यहाँ पर आएगा cos x, ये हो गया। अब देखिए 2 sin 4x को मैंने कॉमन ले लिया है, यहाँ पर जो वैल्यू बचेगी वो रहेगी आपके पास cos 3x प्लस cos x। ओके, अब cos c प्लस cos d की आइडेंटिटी आपने पढ़ी ही रखी है। cos c प्लस cos d की आइडेंटिटी जो होती है वो होती है cos 2 cos c + dy2, तो c प्लस dy2। ओके, और यहाँ पर होती है cos c - dy2, ये इस तरीके से होती है cos की आइडेंटिटी। जब मैंने cos की आइडेंटिटी लगा दी है, यहाँ पर देखेंगे 2 sin 4x आपके पास है, और यहाँ पर जो मिलेगा, देखिए 4x को 2 से डिवाइड किया तो 2 बचेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर देखेंगे cos 2x आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर बचेगा केवल x, ये। अब इसका मल्टीप्लाई जैसे मैं इधर करूँगा तो यहाँ पर आएगा आपका 4, और सेम वही आपको आंसर मिल जाएगा जो आपका आंसर RHS में है। ओके, cos 2x और यहाँ पर आ जाएगा sin 4x, ये होगा आपका RHS, यानी राइट हैंड साइड। ये प्रूव हो चुका है आपका क्वेश्चन, तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपको, देखिए टेकिंग LHS, मैं यहाँ पर LHS ले लेता हूँ। टेकिंग LHS ले लिया है मैंने, तो देखें यहाँ पर साइन सी प्लस साइन डी की आइडेंटिटी आप लगाइए। तो जब आप साइन सी प्लस साइन डी की आइडेंटिटी लगाएंगे, तो यहाँ पर साइन सी प्लस साइन डी की आइडेंटिटी होती है 2 sin, यहाँ पर होती है 2 sin c + dy2, तो देखें c + dy2 और cos c - dy2, क्या c - dy2, ये आइडेंटिटी होती है साइन की। आगे देखें, सेम यही आइडेंटिटी आपको यहाँ पर लगानी है। अब तबीयत थोड़ी सी डाउन है भाई, जुकाम काफ़ी परेशान कर रहा है, तो देख लेते हैं थोड़ा सा। टू साइन नाइन एक्स प्लस थ्री एक्स डिवाइड बाई टू और यहाँ पर कॉस 9x - 3x/2, ये तो हो गया ऊपर का साइड। अब डिनोमिनेटर में भी आप इसी तरीके से इसे सॉल्व करेंगे, तो देख लेते हैं डिनोमिनेटर की आइडेंटिटीज क्या है आपके पास। डिनोमिनेटर कॉस की है, तो आप देखिए कॉस की आइडेंटिटी होती है, यहाँ पर आएगा कॉस सी प्लस डी वाई टू वाई टू और कॉस सी माइनस डी वाई टू, यानी कि ये यहाँ पर आएगा। ओके, डिवाइड बाई टू प्लस यहाँ पर सेम है 2 cos c + dy2 यहाँ पर cos c - dy2। ओके, यहाँ पर आप देख लेते हैं, देखिए ऊपर वाली वैल्यू को जब मैंने सॉल्व किया तो यहाँ पर आएगा 2 sin, तो देखिए 12 हो गया, 12 को मैंने 2 से डिवाइड किया 6x हो गया। यहाँ पर देख पाएंगे आप 2x होगा, 2 का एक सिंगल बचेगा तो यहाँ x आएगा, प्लस यहाँ पर देखा
टू, यहाँ पर भी 12 हो रहा है तो 12 से डिवाइड किया तो ये 6x हो जाएगा। ओके यहाँ पर बचेगा क्या आपके पास, यहाँ पर आपको देखें यहाँ पर 6 बचेगा तो 3x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। ओके ऐसे ही मैंने नीचे किया डिनोमिनेटर को, तो डिनोमिनेटर को भी सॉल्व करने पर आपको जो वैल्यू मिलेगी वो क्या रहेगी, देखिए यहाँ से कॉस को किया तो कॉस 6x आ जाएगा, कॉस 6x, और यहाँ पर जो बचेगा क्या होगा आपका कॉस एक्स। ओके यहाँ पर देखें यहाँ पर आपकी जो वैल्यू मिलेगी वो क्या रहेगी, 2 cos 6x, कॉस 6x, और यहाँ पर रहेगा कॉस 3x, क्या रहेगा कॉस 3x। ठीक है, तो मैंने क्या किया यहाँ से 2 sin x ऊपर से कॉमन ले लिया, 2 sin x 6x कॉमन ले लिया, नीचे से ले लिया 2 cos 6x। ओके ये दोनों ऊपर से कॉमन लिए ऊपर नीचे से, तो देखें डिनोमिनेटर से ऊपर ले ऊपर वाला कॉमन, डिनोमिनेटर से ये कॉमन, तो अब मैंने क्या किया बाकी की बची हुई वैल्यू को मैं लिख देता हूँ कॉस एक्स प्लस कॉस 3x, कॉस एक्स कॉस 3x, और यहाँ पर हो जाएगा कॉस एक्स प्लस कॉस 3x। ठीक है, तो ये वैल्यू हुई, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, जब ये कैंसिल आउट हो जाएगा तब ये कैंसिल आउट होने पर आपको जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू रहेगी आपकी 2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट कर दीजिए यहाँ पर, तो यहाँ 2 नहीं आएगा, फिर आपका जो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस 10 होता है, 10 6x होगा, और यही आपका RHS होगा। ये इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, आपके पास एक वैल्यू है, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू अगर मैं मिला देता हूँ तो आपको ये 2x मिल जाएगा, राइट ना, तो मैं यहाँ से इसे इस तरीके से ले लेता हूँ, तो मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पर देखिए, या फिर आप इस तरीके से कर सकते हैं, इसे एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ क्या है। देखिए ये क्या है आपके पास साइन 3x है ना, और यहाँ सारा कुछ आ रहा है साइन 3x बाई 2 में आ रहा है, कॉस 3/2, ये 3/2 आ रहा है ना, तो 3/2 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए साइन एक्स का एक आइडेंटिटी होती है, साइन एक्स की एक आइडेंटिटी होती है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 sin 2a इज इक्वल टू होता है 2 sin a कॉस ए, ये होता है, बट अगर मैं इसे यहाँ लिखूँ साइन ए लिखता हूँ तो यहाँ हो जाएगा 2 sin a/2 और कॉस ए बाई 2, ये इस तरीके से हो जाएगा। तो मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, थोड़ा सा चेंज करने वाला हूँ, 2 sin 3x/2 कर दे रहा हूँ, और यहाँ पर कर दे रहा हूँ कॉस 3x/2, मैंने यहाँ कर दिया है, इस वाली आइडेंटिटी से कुछ नहीं कहना है, इस वाली से, ये मैंने ऐसे ही लिख दिया है। अब इसको आप चेंज कर लीजिए कि साइन सी और साइन डी वाले फॉर्मूले में आप लिख लीजिए, तो साइन सी और साइन डी का फॉर्मूला जैसे ही आप यहाँ पर लगाएंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा क्या, 2 cos 2 cos c + d/2, यानी एक बार तो जुड़ेगा तो 3x/2, और एक बार ये घटेगा तो साइन से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2x - x, तो ये x आएगा और तो x/2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका मिल जाएगा आपको। अब देख लेते हैं क्या आपके पास वैल्यू है, साइन 3x/2 है ना, और यहाँ पर है कॉस 3x/2, ये हो गई, प्लस यहाँ से आया 2 cos 3x/2 और sin x/2, ये वैल्यू मिली, तो यहाँ से देखिए cos x/2 कॉमन आ रहा है, तो मैं यहाँ से क्या करने वाला हूँ 2 cos 3x/2 कॉमन ले लेता हूँ, तो जो वैल्यू मिलेगी वो रहेगी sin 3x/2 प्लस sin x/2, ये वैल्यू रहेगी। अब इसमें साइन सी प्लस साइन डी की वैल्यू अगेन लगा दीजिए, इसमें साइन सी प्लस साइन डी की वैल्यू लगाएंगे तो देखिए साइन सी प्लस साइन डी की वैल्यू जो होती है वो होती है 2 cos 3x/2, यहाँ हो जाएगा 2 sin x + y2, यानी कि इसको जब मैं ऐड करूँगा तो देखें यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ 3x/2 + x/2 को ऐड करता हूँ तो 2 आपका एलसीएम, तो यहाँ 4x हो जाएगा, यानी कि इससे कैंसिल आउट करेगा तो ये आएगा आपका 2, और 2 डिनोमिनेटर में आएगा उसका किसका, जो आपकी वैल्यू है, तो यहाँ पर आपको वैल्यू मिलेगा साइन, यानी कि आप आइडेंटिटी को लगाएंगे तो यानी इन दोनों को प्लस करने पर डिवाइड 2 करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। अब आपका आता है क्या कॉस की वैल्यू, तो यानी कॉस की वैल्यू देखेंगे, कॉस की होगी माइनस की, तो माइनस करेंगे इसको, माइनस करने पर क्या होगा 3x - x/2, 3x/2 और x/2 / 2, ये आएगा। तो देखें जब यहाँ से मैंने किया 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा क्या x x/2 आएगा, तो क्या आएगा यहाँ पर x/2, जब मैं इसका मल्टीप्लाई अंदर कर दूंगा तो आपको वैल्यू मिल जाएगी आपका आंसर 4 sin x, ओके साइन एक्स कॉस एक्स बाई टू और कॉस 3x/2, दैट इज RHS राइट हैंड साइड, ओके राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड भी कह सकते हैं आप। देखिए ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में करना क्या है आपको
कि साइन एक्स बाई टू और कॉस एक्स बाई टू और टेन एक्स बाई टू की वैल्यू बतानी है, जबकि आपको दिया गया है क्या, टेन एक्स दिया गया है क्वाड्रेंट सेकंड में। तो सेकंड क्वाड्रेंट को आप भूल जाइए थोड़ी देर के लिए कि सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू है। तो आपको करना क्या है देखते हैं, जो आपकी सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू है पहले तो इसे टेन एक्स में कन्वर्ट कर लीजिए, कॉस एक्स में कन्वर्ट कर लीजिए, साइन एक्स में कन्वर्ट कर लीजिए, टेन एक्स में कन्वर्ट कर लीजिए। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, पहले इसे कॉस एक्स में कन्वर्ट करता हूँ। तो मैं जानता हूँ क्या, कॉस एक्स बाई टू की अगर वैल्यू की बात करूँ तो कॉस एक्स बाई टू की वैल्यू की बात करूँ, वन अपॉन अंडर रूट में वन प्लस टेन स्क्वेयर एक्स बाई टू जो है इसकी वैल्यू होती है, सॉरी टेन एक्स होती है, टेन एक्स, एक्स बाई टू नहीं टेन एक्स होती है केवल। तो ये वैल्यू होती है जब ये क्वाड्रेंट सेकंड में है। क्या है ये, क्वाड्रेंट सेकंड में है, क्वाड्रेंट सेकंड में है। तो सेकंड में ये नेगेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपके पास है फिलहाल। तो इसी तरीके से आपको साइन की लिखनी है और इसी तरीके से टेन की लिखनी है। तो देखिए यहाँ से जब आपको ये वैल्यू मिल चुकी है तो आपको करना क्या है, इस वाली वैल्यू से कॉस एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, कॉस एक्स बाई टू की वैल्यू निकाल लेनी है और आपका आंसर हो जाएगा। जब आप कॉस एक्स बाई टू की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए फर्स्ट एक्सरसाइज पर जाइएगा, फर्स्ट एक्सरसाइज पर, या आप मेरी जो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री की क्लास है वो देख लीजिएगा, उसमें मैंने क्या है ये वैल्यू निकालना आपको बताया है, वहां से आप कर सकते हैं। एक और हिंट मैं आपको दे देता हूँ यहाँ पर, अगर आप ये कहें कि सर हिंट दे दीजिए, तो हिंट के लिए आपको ये है कि आप इसे ट्रायंगल में ले लीजिएगा, ट्रायंगल से थर्ड साइड निकाल लीजिएगा और वहाँ से ट्रायंगुलमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकाल लीजिएगा, तो वहाँ से आराम से इजीली आपको हो जाएगा। तो ये आपको सेल्फ करना है, ठीक है, जब आप इसे सेल्फ करेंगे, सेल्फ करने पर ही आपको आएगा। अगर आप नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप करिएगा, तो मैं इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ये था आज का हमारा सेशन, अगर आपको आज का हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर की वॉचिंग।